बिग बॉस के घर के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, यू नो, सबसे छोटे तो सुंबल और अब्दू हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि घर के अंदर जो बड़े हैं 40 साल के, और एनी विच वेज चलो ठीक है ये भी मान लिया, एज डज नॉट मैटर, लेकिन मच्योरिटी तो मैटर्स ना। आप सब मच्योर होने का दावा कर रहे हो और घर के अंदर ऐसी बचकांड हरकतें कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या है बात, चलिए आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त जो है एक बहुत ही स्टूपिड सा सिनेरियो घर के अंदर चल रहा है। एक तरफ जो बॉन्डिंग्स हैं, दोस्ती है, वो बहुत अच्छी है। ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ एमसी स्टैन, अब्दू, साजिद, इन सब की, यू नो, बहुत अच्छी दोस्ती है। ऑफकोर्स शिव है, लेकिन एक वहीं दूसरी तरफ है जो एक दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं और दोस्त भी हैं और क्या है और खुद को समझ में नहीं आ रहा है। बट इन्हीं सारी चीज़ों के बीचों बीच कल के दिन आपने देखा होगा कि शालीन ने जिस तरीके से टीना के सामने सौंदर्य को किस किया, वो बात इतनी ज़्यादा उस बात का इशू बना, इतना ज़्यादा सौंदर्य को लेकर गौतम बिहेव कर रहे हैं ऐसे जैसे कि यू नो सदियों से एक दूसरे को जानते हैं और जाने या ना जाने, लेकिन सिर्फ एक चीक पे किस किया था और वो इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं, लेकिन उस चीज पर पूरा दिन कल बहस चलती रही है। और अब वैसा ही कुछ गौतम कर रहे हैं खुद, इतना कहने के बाद इतना उन्होंने एस्टैब्लिश किया इस बात को कि यू नो मैं वैसा नहीं हूं, मुझे नहीं पसंद इस तरह की चीजें और मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप्स हूं, मैं मस्ती में भी ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं किसी को जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर सकता हूं। सो कहीं ना कहीं आप अगर मस्ती में नहीं करते तो आप जेलस फील कराने के लिए भी कभी ऐसा नहीं करेंगे, और इस वक्त ऐसा ही शालीन के सामने हो रहा है। जी हाँ, मैं चलिए आपको पहले तस्वीर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर शालीन बैठे हैं, यहाँ पर ये गौतम है और यहाँ टीना है, और शालीन को जेलस कराने के लिए गौतम ने वही एग्जैक्ट मोमेंट को रिक्रिएट किया, उन्होंने जाकर टीना को गाल पे किस किया, जिसके बाद शालीन क्या जेलस फील करेंगे, क्या शालीन और इनके बीच में सच में कुछ चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो यू नो सिचुएशन है, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बचकांड है? मतलब करण तेजस्वी साथ में है और अगर उमर को गुस्सा आ गया तो वो जाकर किस करके जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे। यार इतने बचकांड तो लिटरली बच्चे भी नहीं है घर के अंदर जो है, ना सुंबल है, ना अब्दू है, ना एमसी स्टैन है, तो फिर आप इस तरह की हरकत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्टेंट नहीं मिल रहा, तो यू आर जस्ट डूइंग एनीथिंग फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एंड इट इज एब्सोल्युटली लुकिंग वेरी किडिश एंड वेरी रिडिकुलस। आपको इस पर क्या है कहना, गौतम की इस हरकत पर, और यू नो शालीन को जेलस कराने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ही कहें इस बात पर। बट आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है, या ये बहुत ही बचकांड लग रहा है, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि देखिए आप जो कमेंट्स करते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, हम सभी वो कमेंट्स पढ़ते हैं, और फिर उसके बेसिस पर ये एक इंटरेक्शन होता है। यू नो मैं आपको ये सब बता रही हूँ, आपसे ये सब डिस्कस कर रही हूँ, तो आप जो कमेंट्स करेंगे वो पढ़कर मुझे समझ में आएगा कि आप और मैं सेम पेज पर हैं या नहीं है, या आप क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में कि जो मैंने कहा मैं आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर कमेंट्स कर मुझे अपने व्यूज़ बताइएगा।